पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप भिलाई चरोदा निगम सभागार में सुशासन दिवस पर शपथ लेकर जन जन तक शासन के कार्यों को पहुंचाने का संकल्प समस्त उपस्थित जनों द्वारा लिया गया। इसके पूर्व सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर सभी गणमान्य जनों द्वारा वाजपेयी जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आरम्भ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निगम कमिश्नर अजय त्रिपाठी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे उनके योगदान को भुलाया नहीं सकता। श्री त्रिपाठी ने कहा कि वाजपेयी जी का जीवन भारत की जनता के लिए समर्पित रहा। अधिकांश समय राजनीति में विपक्ष में रहते हुए वे भारत के लोगों की आवाज उठाते रहे। बाद में वो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान अनेक जन कल्याणकारी निर्णय लेकर उन्होंने अविस्मरणीय कार्य किए। वहीं सुशासन दिवस के आज के कार्यक्रम में निगम के नेता प्रतिपक्ष राम खिलावन वर्मा, पार्षद चंद्र प्रकाश पांडे ने भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पार्षद फिरोज फारूकी, प्रेमलता चंद्राकर, ललित यादव, अपर्णा सुब्रत दास गुप्ता, पूर्व पार्षद तुलसी मरकाम सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए सैलन खरे की रिपोर्ट।